हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रतिमाज यूनिक डायरी में। दोस्तों, ये पुरानी कहानी पढ़ने से सौभाग्य और धन का आशीर्वाद मिलता है। इसकी कथा महर्षि वशिष्ठ ने प्रभु श्री रामचंद्र जी से कही थी। इस एकादशी के दिन व्रत उपवास रखने से पूरे वैशाख मास के दान का पुण्य मिलता है। इसके साथ यह एकादशी समस्त पाप और दुखों का नाश करने वाली और सौभाग्य और धन का आशीर्वाद देने वाली मानी गई है। यह कथा इस प्रकार है। मोहिनी एकादशी व्रत की कथा के अनुसार सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में दुतमान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वहां धन धान्य से संपन्न व पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्टबुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र धृष्टबुद्धि महापापी था। वह पितृ आदि को नहीं मानता था। वह वेश्या दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता तथा मद्य मांस का सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वेश्या और दुराचारियों साथियों ने का साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा ना देख चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया। राजाज्ञा के अनुसार उसे इस बार कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगर से निकल जाने को कहा। वह नगरी से निकल वन में चला गया। वहाँ वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मारकर खाने लग गया। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान कर आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनि, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताइए। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुण पर बैठकर विष्णु लोक को गया। अतः इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी की कथा वैशाख मास के दान का पुण्य देने में सक्षम है। अतः हर मनुष्य को यह व्रत अवश्य रखना चाहिए और कथा पढ़ना अथवा सुनना चाहिए। दोस्तों, ये थी मोहिनी एकादशी की बहुत ही पौराणिक कथा, जिसे आपको इस दिन व्रत रखने के समय और पूजा करते समय पढ़ना अथवा सुनना जरूर चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को मोहिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।